तो हाय गाइस, कार गुरु जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में। अगर आप स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कम से कम 5 या 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको हाईवे पे चलते टाइम या स्पीड में चलते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। सीट बेल्ट पहने, मैंने नहीं पहन रखी, खैर माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। सीट बेल्ट पहने और सुरक्षा रखे अपनी, क्योंकि मैं लोकल एरिया में यहीं पर ड्राइव कर रहा था इसलिए मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी, इस चीज़ के लिए सॉरी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग की पोजीशन आपको ठीक कर लेनी है। मतलब कई बार होता है कि हम स्टेयरिंग यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं। सबसे सही वे जो स्टेयरिंग को पकड़ने की वो ये है, इस तरीके से आप स्टेयरिंग पकड़ के आपकी लंबी ड्राइव कीजिए। क्योंकि यहाँ से पकड़ते हो तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या क्या नुकसान है, आप उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो सबसे जो ठीक वे रहता है स्टेयरिंग पकड़ने का वो यहाँ से, जो ये दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर स्पेस, वो यहीं से पकड़िए। और हाई स्पीड में अगर आप ड्राइव करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर आप कोई इंस्टेंटली, अगर आपको टर्न करना हो तो इंस्टेंटली आप इस तरीके से पकड़ के गाड़ी को टर्न कर सकते हो। यहाँ से पकड़ के आप गाड़ी को इजीली टर्न नहीं कर पाओगे, ना ही यहाँ से पकड़ के आप गाड़ी को इजीली टर्न कर पाओगे। तो सबसे पहला टिप्स ये होगा कि आपको स्टेयरिंग पे कंफर्टेबल रखना होगा और ठीक से चलना होगा आपको। सेकेंड पॉइंट काफ़ी मज़ेदार पॉइंट है और काफ़ी जो हम युवा हैं उनके लिए काफ़ी यूज़फुल पॉइंट है। अगर आप स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादा स्पीड में चला रहे हो, लंबी ट्रिप पर चला रहे हो, तो आपको जो चीज़ ये ध्यान रखनी है, आपको लाउड म्यूजिक कभी भी नहीं सुनना। लाउड म्यूजिक सुनने से प्रॉब्लम ये होगी, जो सबसे बड़ा रीज़न है, यहाँ पे कनाडा की यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई थी, अगर आप लाउड म्यूजिक सुनते हो तो उस समय आपका माइंड जो है, जो आपके माइंड में सोचने की क्षमता है उसमें कमी हो जाती है। मतलब करीबन 20 से 40% तक आपका माइंड कम सोच पाता है और जल्दी से जल्दी डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर आप गाड़ी का साउंड तेज़ रखते हो तो यूजुअली आपको पता नहीं रहेगा कि पीछे से क्या गाड़ी आ रही है, फिर कोई गाड़ी आ रही है, कोई हॉर्न मार रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको यूजुअली पता नहीं रहेगा। क्योंकि आपका, और अगर आपकी गाड़ी स्पीड में बढ़ती रहेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो इंजन का साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और म्यूजिक के साथ में आप अपनी धुन में गाड़ी चलाते रहोगे तो हो सकता है आपकी ज़्यादा स्पीड भी हो जाए। और अगली प्रॉब्लम ये होगी कि जो मान लीजिए कोई इंस्टेंटली आपको स्टेयरिंग को टर्न करना है, इंस्टेंटली आपको ब्रेक लगाना है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो सकती है आदमी के साथ में ड्राइविंग करते टाइम, तो वहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि जल्दी से जल्दी आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान म्यूजिक में मग्न रहता है, इस वजह से आपके सोचने की क्षमता कमी हो जाती है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, सॉफ्टली म्यूजिक सुने, ये नहीं कि म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुने, म्यूजिक सुने पर कम आवाज़ पर म्यूजिक सुने, ताकि आप डिसीजन लेने में सक्षम हो। मुझे बताइए कि आप क्या आप लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं लॉन्ग ड्राइव पर। अगला जो पॉइंट आता है, अगर आप स्पीड में चल रहे हो तो कई बार ये होता है कि जैसे टर्न आता है तो वहाँ पे टर्न पे हम स्टीयरिंग को घुमाते टाइम ही ब्रेक मारते हैं। मतलब जैसे मैं गाड़ी घुमाता रहूँगा तो उसी टाइम मैं ब्रेक मारूंगा, और टर्न पे ही स्टीयरिंग और ब्रेक एक साथ आप कभी भी नहीं मारे। या तो पहले आप गाड़ी को हल्की सी धीरे कर ले उसके बाद में टर्न करें, ये नहीं कि आपकी गाड़ी टर्न कर रही हो और टर्न करते टाइम ही आप ब्रेक मार रहे हो, तो वहाँ पर काफ़ी खतरा हो सकता है आपको। हमेशा ध्यान रखिए, गाड़ी अगर आप टर्न कर रहे हो तो टर्न करते टाइम आपको गाड़ी को धीरे से, मतलब जो स्पीड है वो स्लो करनी होगी और उसके बाद में ही टर्न करें। आपको कभी भी टर्न करते टाइम गाड़ी के ब्रेक नहीं लगाने स्टीयरिंग के साथ में, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट होने का खतरा रहता है। तो उस चीज़ से बचें और कभी भी आप स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों एक साथ यूज़ में नहीं करें। हमेशा पहले या तो धीरे कर ले उसके बाद में गाड़ी को घुमाएं, टर्न करते टाइम कभी ब्रेक ना मारें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जैसे आप स्पीड में चल रहे हो और स्पीड में चलते टाइम कई बार सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकती है। मेरा दोस्त गगन चौधरी, उनका भी चैनल आप देख सकते हो, तो उनके साथ एक बार हादसा घटा था। कई बार हादसे घट जाते हैं हमारे साथ में, और कई बार हम सोचते हैं कि हैंड ब्रेक लगा दें अच्छा रहेगा, जल्दी बच जाएंगे। जब तक आपको लगे नहीं कि अब गाड़ी कंट्रोल में नहीं है, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसी टाइम हैंड ब्रेक का प्रयोग करें, उससे पहले कभी भी हैंड ब्रेक का प्रयोग ना करें। इमरजेंसी जो कि जबकि आपको कोई कंट्रोल नहीं है, ब्रेक पर भी नहीं है, स्टीयरिंग पर भी नहीं है, तभी आप कंट्रोल करें, तभी आप हैंड ब्रेक का यूज़ करें। उसके बिना आप कभी भी हैंड ब्रेक का यूज़ नहीं करें, क्योंकि होता है कि जैसे आप स्टीयरिंग, मतलब जैसे आप हैंड ब्रेक यूज़ करते हो तो उस टाइम आपकी स्टीयरिंग और व्हील दोनों लॉक हो जाते हैं, उस टाइम आप गाड़ी को घुमा फिरा नहीं सकते, जैसे गाड़ी है वैसे ही रहेगी वो। तो वहाँ पर उस केस में ये लॉस हो जाता है कि आपकी जो स्टीयरिंग है वो लॉक हो जाती है, स्टीयरिंग को आप घुमा नहीं सकते। और इसका एक खतरनाक वीडियो गगन चौधरी ने बनाया, जो आपको ऊपर सजेशन पे यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, उसी को वीडियो को देख सकते हो, उसमें कितनी खतरनाक और कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने इस बारे में। तो कभी भी जब तक सिचुएशन में आपको ज़रूरत ना पड़े हैंड ब्रेक का यूज़ ना करें, क्योंकि हैंड ब्रेक से जान तो बचेगी, हो सकता है जान बचने के सिवाय हो सकता है और कोई हादसा हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहाँ पर यह आती है कि हम क्या है, जो नौजवान लौंडे हैं, और कई बार हम, मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, खुद की गलती मान रहा हूँ यहाँ पर। स्पीड में ड्राइव करते टाइम हमेशा हम कई बार एक हाथ से तो ड्राइव करते रहते हैं
और एक हाथ यहाँ पे गियर बॉक्स पे रहता है और एक हाथ पे आराम से चलते रहते हैं। तो उस केस में कभी भी ये ना करें कि आप स्पीड में चल रहे हो और एक हाथ से गाड़ी को टर्न कर रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं। हाई स्पीड में हमेशा याद रहे कि आपको स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ना है। एक हाथ से पकड़ने पर आपकी स्टीयरिंग सही से कंट्रोल नहीं हो पाएगी और हो सकता है आपको किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े। तो हमेशा दोनों हाथों का स्टीयरिंग पर उपयोग करें, ये नहीं कि टशन में आप एक हाथ से गाड़ी को चला रहे हो। लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप किसी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आप किसी और की गाड़ी चला रहे हो या फिर मान लीजिए खुद की गाड़ी चला रहे हो, तो उससे पहले आपकी जो सीट एडजस्टेबल है वो चेक कर लें कि आपके पैर ठीक रूप से ब्रेक तक पहुँच पा रहे हैं ना, सीट ज़्यादा पीछे तो नहीं है ना, स्टीयरिंग पे आपके हाथ कंफर्टेबल है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर लें। क्योंकि अगर आप स्पीड में ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको इंस्टेंटली ब्रेक मारना है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है, तो उस समय अगर आपके सीट एडजस्टमेंट ठीक से नहीं है तो आप सारा काम प्रॉपरली ढंग से नहीं कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखें सीट का प्रॉपरली एडजस्टमेंट कर लें। सो गाइस, ये थे कुछ टिप्स गाड़ी को ठीक रूप से स्पीड में चलाने के। मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैंने आपके सारे डाउट्स थे जो वो सारे क्लियर कर दिए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई सवाल लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द कार गुरुजी। और